नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप वर्डप्रेस के अंदर एक सीएफ फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत से वर्डप्रेस यूज़र नए होते हैं, अभी अभी वर्डप्रेस सीख रहे होते हैं, उन्होंने वर्डप्रेस पर ब्लॉग अभी बनाया है, तो वो यूज़र कैसे वर्डप्रेस में पोस्ट लिख सकते हैं, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल एंड मेटा टैग कैसे डालते हैं, कैसे फीचर इमेजेस यहाँ पर सेट करते हैं, बहुत से तमाम वर्डप्रेस से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यदि आप नए हो और अभी भी आपने ब्लॉग शुरू किया है तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर सिंपल सा आपको पोस्ट लिखने के लिए ऑल पोस्ट पे आ जाना है, ठीक है। तो ऑल पोस्ट पे आप आएंगे तो आपकी जितनी पोस्ट होंगी वर्डप्रेस की वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक। एंड यहाँ पर आपको पोस्ट लिखने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों इस तरह से ब्लैंक पेज आता है। अब दोस्तों जब आप वर्डप्रेस के अंदर यूज्ड प्लगइन और यहाँ पर एक और प्लगइन मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन में जाते हैं। यहाँ पर क्लासिक एडिटर, ठीक है, और एक और प्लगइन है इसमें एडवांस एडिटर टूल्स, ये दो प्लगइन को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तीसरा है यहाँ पर यूस्टियो, ठीक है। तो जैसे ही आप तीनों प्लगइन को आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस के अंदर तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह के प्लगइन यूज नहीं करते तीनों में से कोई भी तो इस तरह का इंटरफेस नहीं मिलेगा, ना ही आपको टूल्स मिलेंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पर बोल्ड इटालिक, इस तरह के जो टूल्स मिल रहे हैं, फंक्शन मिल रहे हैं, वो इस प्लगइन की वजह से मिल रहे हैं, क्लासिक एडिटर की वजह से, ठीक है। एंड यहाँ पर टेबल वगैरह ये मिल रही हमको इस तरह का, तो वो यहाँ पर एडवांस एडिटर टूल्स की वजह से मिल रही, ठीक है। एंड यहाँ पर फोकस कीवर्ड और ये मेटा डिस्क्रिप्शन स्लैग जो हमें इस तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं डालने के लिए अपने कंटेंट को, तो वो यूज्ड प्लगइन की वजह से मिल रहे हैं। तो आप तीनों प्लगइन को अपने वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉक के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ फ्री है इसमें, ठीक है। तो तीनों प्लगइन में कोई नहीं आपको फ्री मिलेगा मिलेगा, लेकिन फ्री में ही हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पोस्ट लिखने के लिए सिंपल सा आप कर्सर रखेंगे एंड टाइप कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एक ले लेता हूँ पोस्ट को, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कंप्यूटर हैंग वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ ये पेज हमारा सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से एंड इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ टाइप ही समझिए हिंदी का, इंग्लिश जो भी आप टाइप करेंगे, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी हिंदी टाइप नहीं हो रही, जैसे कि आप हिंदी ब्लॉगर हैं और आपकी टाइपिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा यहाँ पर हिंदी इनपुट्स का, ठीक है। तो एक्सटेंशन आपको यहाँ मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंशन में जाएंगे आप, यहाँ पर इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है, इसका मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं हिंदी कर दूंगा तो यहाँ पर हिंदी टाइप होने लगेगी, ये देखिए, है ना। तो फिलहाल मेरा इतना टाइप है मैटर, तो मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग से, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटेंट लिखते हो, सिंपल सी बात है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर कंटेंट को सेंटर रखता हूँ और यहाँ पर फ़ॉन्ट 14 रखता हूँ, तो आप भी फ़ॉन्ट का साइज़ 14 रख सकती हो। सिंपल से मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर है 14, ठीक है, 14 साइज़ करना है आपको। एंड यहाँ पर आपने कुछ बारीकी से बताई हैं चीज़ें, तो आप इनको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है 14, तो मैं यहाँ 16 कर सकता हूँ, रैम के बारे में मैंने बताया है और बोल्ड इटैलिक कर सकता हूँ, ठीक है।
ठीक, तो यहाँ पर आपको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर और भी हैं ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एंड नीचे आपको अगर ये लिंक्स लगाने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको लिंक्स कहाँ लगाने। मैं इस लिंक्स को ही डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर लिंक्स बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, लिंक्स लगाने के लिए आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जाएंगे। आपको इनमें अपनी इंटरनल लिंक लगानी है, तो इंटरनल लिंक यहाँ से लगाएंगे आप। कंप्यूटर हैंग क्यों होता है, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका URL आ जाएगा और इसका टेक्स्ट आ जाएगा, बस ऐड लिंक पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली यहाँ लिंक लग जाएगी। अगर आपको किसी बाहरी वेबसाइट यानी कि गूगल अदर वेबसाइट की आपको लिंक अपनी वेबसाइट में लगाना है, सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी लिंक ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ गूगल की। एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस URL को कॉपी कर लेता हूँ और मैं गूगल की भी लिंक यहाँ पर लगा सकता हूँ। सिंपल से फिर हम जाएंगे लिंक के अंदर एंड यहाँ पर सेटिंग URL पेस्ट करेंगे URL में एंड लिंक टेक्स्ट डाल देंगे www.google.com। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों लिंक हो चुकी हैं आपकी। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर टाइटल डालना है। ठीक है, तो कंप्यूटर हैंग क्यों होता है, हम इस टाइटल ले लेते हैं। ठीक, तो आपका ये टाइटल हो गया ब्लॉग का। एंड यहाँ URL डालना है आपको, आप URL ये भी ले सकती हो, पूरा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पर इंग्लिश में भी कोई URL ले सकते हो। अगर इंग्लिश में लेंगे तो भी ठीक है, हिंदी में लेंगे तो भी ठीक है, आप पर डिपेंड करता है आपको पसंद क्या है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ URL कंप्यूटर, मैं इंग्लिश में ही लेता हूँ URL कंप्यूटर हैंग क्यों होता है। ठीक है, देखिए हमने URL ले लिया एंड ओके कर देते हैं, तो हमारा URL बन गया। अब दोस्तों आपको इसमें फोकस कीवर्ड को पसंद करना होगा, आपका फोकस कीवर्ड क्या है। ठीक है, तो मैं फोकस कीवर्ड रखता हूँ केवल कंप्यूटर हैंग होता है, तो ये मेरी पूरी पोस्ट का फोकस कीवर्ड है। ठीक है, मेन कीवर्ड, सिंपल से जाता हूँ नीचे, यहाँ है फोकस की प्रेस, सिंपल से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो गई ग्रीन लाइट। अब दोस्तों आपको मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले आपको ये पूरा टाइटल कॉपी कर लेना है, नीचे आना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। अब मैं यहाँ डैश दे दूँगा एंड यहाँ से मैं कोई भी अच्छी चीज़ ले लूँगा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से इस वाले को लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ ग्रीन हो चुका है, सॉरी यहाँ पे ऑरेंज हो गया है। आपको इसे ऑप्टिमाइज करना होगा डिस्क्रिप्शन को। मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ पर इतना डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया और आपका ऊपर वाला ग्रीन हो गया। यहाँ पर आपके गूगल में जो प्रीव्यू दिखाएगा मोबाइल में, तो इस तरह दिखाएगा कंप्यूटर हैंग क्यों होता है और हैंग होने के कारण। तो देखिए यहाँ पर पूरा गूगल में इस तरह दिखाएगा मोबाइल के अंदर कंप्यूटर हैंग, और इसका डिस्क्रिप्शन ये आएगा। ठीक है, या टाइटल या डिस्क्रिप्शन, और जब डेस्कटॉप वर्जन पर देखना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप वर्जन पर आएगा। ठीक, तो ये दोनों बात आपकी समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, इमेजेस, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इमेजेस यहाँ पर 600x300 पिक्सल का लगाता यहाँ पर यूज करता हूँ, क्योंकि इमेजेस लार्ज होने की वजह से वेबसाइट की स्पीड यानी ब्लॉग या वेबसाइट जो भी है इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और काफ़ी हैवी हो जाती है वेबसाइट। तो इमेजेस आप स्मॉल ही रखें साइज़, तो बेस्ट रहेगा। तो आपको इमेजेस लगाने फीचर, तो यहाँ पर है नीचे आएंगे सेट फीचर इमेजेस, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम इमेजेस को पसंद कर लेते हैं, चलिए ये डाल देते हैं। और आपको अपलोड करना है कंप्यूटर लैपटॉप से, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें हमारे पास पैसे पहले से लाइब्रेरी में स्टोर है, तो हम इसको नहीं लेते, यहीं से ही लेकर इंसर्ट कर देते हैं। तो सिंपल से इस पर क्लिक करके सेट फीचर इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी पोस्ट लिख चुकी है हमने। ठीक है, आपको पोस्ट इस तरह लिख लेना है। अगर आपको लेफ्ट अलाइजन करना है तो ये सारी चीज़ हैंगी, लिंक है, टेबल बनाने, आपको टेबल यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर। एंड यहाँ पर ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी इमेजेस हो गई, सारी चीज़ें ग्रीन हो गई। अब ये URL की वजह से हो रहा है, कुछ हमने कुछ ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया उसकी वजह से हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको डालना है लास्ट में चीज़ टैग। आपको टैग रखना है कैसे, आपको 2 या 3 कीवर्ड यहाँ पर टैग डालने। तो मैं यहाँ पर टैग डाल देता हूँ, 2 या 3 ही डालें, कोई कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ डालते कंप्यूटर हैंग क्यों होता है, फर्स्ट ले लिया एंड कंप्यूटर हैंग होने के कारण ये सेकंड ले लिया। ठीक, तो एक और डाल सकती हूँ, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं डाले तो बेस्ट है। एंड यहाँ आपकी कैटेगरी होंगी, आपको किस कैटेगरी में डालना है, या यहाँ पर मोस्ट यूज कैटेगरी भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी जिसमें आप ज़्यादा डालती हो। ठीक, एंड कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा पब्लिश कर देना। ठीक है, तो पब्लिश कर देंगे तो जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपकी पोस्ट वर्डप्रेस के अंदर डल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको और कस्टमाइज़ करनी है तो काफ़ी टूल हैं, कलर अलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर कोई कलर आपको प्रोवाइड करानी है तो ये कलर किए हैं ऑप्शन, एंड बुलेटालिक है ये, अलाइन है ये, बुलेट्स आपको लगाने, बुलेट्स भी आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बुलेट्स आपको लगाना, सिंपल से ही दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बुलेट्स लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के भी सारे टूल है, लिंक के बता दी मैंने आपको। तो इस तरह से हम पोस्ट लिखते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर। और कोई भी अगर डाउट है, कुछ पूछना है आपसे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। ठीक, तो हमने वर्डप्रेस के SEO से रिलेटेड, योस्ट के जो ग्रीन सिग्नल उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दी। अगर आप नहीं देखे, नए ब्लॉगर हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।